नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम देखेंगे एक छोटी सी ट्रिक जीके की, नंबर ऑफ प्लेयर यानी किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूँ और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस टॉपिक से। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, पोलो। पोलो को गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, चार। यानी अगर इसकी ट्रिक बनाएंगे तो कितने हैं, पोलो वर्ड में कितने शब्द, कितने अल्फाबेट है, चार। तो इसमें कितने खिलाड़ी हुए, चार। यानी इसमें चार ही वर्ड थे और चार ही खिलाड़ी है। दोस्तों आगे है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, पांच। आप इसको बिस्कुट से याद रख सकते हैं, बिस्कुट 5 रुपए का बिस्कुट आता है, तो यानी बिस्कुट 5 रुपए का। यानी बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी हुए, पांच। आगे है वॉलीबॉल और आगे है नेटबॉल। दोस्तों इन तीनों चार की एक ट्रिक बताऊंगा। यानी बीवी ने जिम ज्वाइन की, बी से बास्केटबॉल, बी से वॉलीबॉल, ने से नेटबॉल और जिम से जिमनास्टिक। यानी ये कंटिन्यू है, यानी 5, 6, 7 और 8। यानी बास्केटबॉल में 5, उसके बाद वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7 और जिमनास्टिक में 8। दोस्तों ये चारों की मैंने ट्रिक बता दी, बीवी ने जिम, यानी 5, 6, 7, 8। तो आगे है दोस्तों खो खो। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, 9। आप इसको ऐसे याद रखिए, कहो कहो ना, कहो ना, कहो ना। आपने गाना भी सुना होगा कहो ना प्यार है, तो ये क्या है, कहो ना, ना मतलब 9। तो आगे दोस्तों वाटर पोलो। पोलो में मैंने आपको बता दिया 4 खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें वाटर जोड़ दिया, यानी 3 और जोड़ दिए, यानी 7 हो गए। तो आप वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2O। यानी इसमें 3 मेंबर और जोड़ दिए, पोलो और वाटर के तीनों मिलके कितने हुए, 7 खिलाड़ी। यानी वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हो गए, 7 खिलाड़ी। दोस्तों आगे है फुहाकी। दोस्तों हॉकी तो आपने सुना है, आज ये क्या है, फुहाकी। फू से फुटबॉल, हा से हॉकी और की से क्रिकेट। यानी क्रिकेट का तो लगभग आपको सबको पता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो ये फुहाकी से आप याद रख सकते हो। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, इन तीनों में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये याद हो गए होंगे, आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।